ये गरम गरम भुट्टे। इस हॉचपॉच भरी लाइफ में सुकून चाहिए था। सुकून का नाम हो और आपका गांव आपकी बकेट लिस्ट में ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए इस बार मैं आपको अपना गांव दिखाता हूँ। घर से निकला, बस में चढ़ा और सीट मिली मुझे सबसे पीछे की। एक सजेशन आप लोगों के लिए, फर्स्ट टाइम पहाड़ में ट्रैवल कर रहे हैं बस से, तो ट्राई कीजिएगा पीछे की सीट आपको ना मिले। वैसे मेरी किस्मत भी अच्छी रही और ऋषिकेश से मुझे आगे की सीट मिल गई। अभी थोड़ा आगे चले ही थे कि समझ आ गया पहाड़ों में लैंडस्लाइड क्यों हो रही है। ऋषिकेश से अंकल जी ने हमें ज्वाइन किया था, थोड़ा पिए हुए थे मगर बातें मज़ेदार कर रहे थे। बस में सबकी खिंचाई हो रही थी, मेरी भी, यहाँ तक कि ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा भाई साहब। मैं पहुंच चुका हूं तीन धारा और मेरे आजू बाजू भी ऐसा माहौल है। यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है, बट मैं यहाँ से साइड हो जाता पहले। काफी अच्छी लोकेशन पे है तीन धारा, और अगर आपको लंच करना है या ब्रंच करना है तो आपके लिए परफेक्ट लोकेशन है। आपको यहाँ पे आना चाहिए और इसके बाद देवप्रयाग आने वाला है। यहाँ पे छोटे ढाबे टाइप के हैं, तो गाइज ये आपको दिल्ली वाले रूट की तरह यहाँ पे ठगेंगे नहीं, खाना जेन्युइन मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो डेफिनेटली मेरे तरफ से रिकमेंडेड प्लेस है, आप लोग यहाँ पे आइए और खाना खा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल आजकल लोग आना नहीं हो रहा ज़्यादा, ठीक लगनो बढ़िया लोग नहीं भाई जी, पर ये बात दिखाई नहीं तो सही है। मैं ये देखो ना, ये दिखाना सन अच्छा चित्र इधर चल रहे हैं अभी वो ना नहीं सन का बड़ी दिखाई। हमारे भाई कैमरे के आगे तो कुछ बोल नहीं रहे थे, तो मैंने भाई को कैमरा दे दिया और उसके बाद आप खुद देखिए। बोलो भाई साहब, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नींबू पानी बोलेंगे क्या? आज तो काम धंधा है नहीं, बस कभी यात्रा बंद हो रही है, कभी कावड़ बंद हो रहा है। आपके पड़ोसी क्या हाल है? पड़ोसी ठीक है, जगह जग में हो? जगह जग है तो टोपी पहन के बैठा है। टोपी पहन के बैठा। अच्छा अच्छा, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है तो आप उनके पास कैमरा ले जाइए। अच्छा अच्छा, उनको परेशानी का हाल जो है सरकार को बताओ। अच्छा, ये तो आराम से पैसे गिन रहे, इनकी कोई कमी नहीं है। और ये जो है बड़े ठीक चप से लगे थे, बिल्कुल पेंशन गन्या ए बाबा, अड़कू एक घूमने अड़कू एक पानी। अच्छा अच्छा, अब मुंगरू हल्का गया लो। ये गर्मा गर्म, ये गरम गरम भुट्टे कितने रुपए की है? ये 20। देख लो भाई साहब, जस्ट 20 रुपए की है। अब मसूरी साइड आप जाओगे तो ये 50 रुपए से कम की ना मिलेगी आपको। तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत सस्ता है, और जब आते हो आप पहाड़ों की साइड पे, इस रूट पे, तो आप यहाँ पे अपना, जैसे मैंने बोला, लंच कर सकते हो। और यहाँ पे नींबू पानी, खीरे, भुट्टा, काफ़ी चीज़ मिलती है, तो सब चीज़ आप खा सकते हो। मैं नींबू पानी पी रहा हूँ। जो लैंड स्लाइड वगैरह कुछ तो ख़त्म ही रहेगी ना, बरसात भी नहीं होनी अब तक, बारिश होनी सर नहीं बस तो आया। अच्छा,
बेसब्री से श्रीनगर आने का इंतजार कर रहा था। अब हम जाएंगे कुछ टाइम बाद अपने गांव के मार्केट। अभी तो सवारी भर रही है उसमें, तो जब तक यहाँ पे रूल है कि जब तक सवारी नहीं भरती है तो गाड़ी नहीं ली जाएंगे। गाड़ी आपके सामने बीच वाली, ये वाली, इसमें सवारी भरी कि उसके बाद हम जाएंगे। और अभी बस में चलने का साइड इफेक्ट हो रखा है तो समझ सकते हो आप, थोड़ा सा लो वॉल्यूम पर हैं हम, रिलैक्स करेंगे थोड़ा। इसके बाद मैं टैकर में बैठा और एक्साइटमेंट में पता ही नहीं चला कब गांव का मार्केट आ गया। तो फाइनली मैं अपने गांव के मार्केट में पहुंच चुका हूं। यहां से निकला मैं अपने गांव की तरफ। थोड़ा आगे चलने के बाद वो सारी पुरानी यादें जो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं थी सब मेरे आंखों के सामने। वो मंदिर है ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, तो उस मंदिर पे मैं ले जाऊंगा आपको। काफ़ी बड़ा मेला होता है वहाँ पे, सब बताऊंगा धीरे धीरे। आज तो आया हूँ, आपको स्लोली स्लोली सब चीज़ देखने को मिलेगी। लंगूर दिखा भी यहाँ पे। वो देखो भाई साहब वो बैठे हैं। छेड़का नहीं करना, अच्छा टाइम नहीं लगता मुझे इनके साथ अभी। बंदर काफ़ी भगाए मैंने बट लंगूर थोड़ा अलग मामला हो जाता है। दिखाता मैं आपको अपने गांव, और यहाँ से प्रॉपर व्यू दिखता है मेरे गांव का। देखिए तो आगे आपको दिख रहा है वो मेरा गांव। मेरा घर नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पे, पीला मकान है वहाँ पे, उसके ऊपर वहाँ पेड़ आ रखे जहाँ पे, वहाँ पे मेरा घर है। बचपन में मुझे अपने गांव में एक जगह बहुत डर लगता था, अभी सामने आई है तो मैंने सोचा लगे तो आपको दिखा भी दूँ। तो मैं यहाँ पे सोचता था कि कुछ है, अभी मुझे लगता है कि कुछ है यहाँ, क्योंकि आवाज़ें भाई बहुत ज़्यादा खामोशी है, बहुत ज़्यादा, मतलब हर चीज़ की आवाज़ आप साफ साफ सुन सकते हो। हाँ तो वो जगह आने वाली है तो दिखाता हूँ। और ये जगह है, छोटे थे उस समय हम, मुझे लगता था यहाँ पे कुछ है हमेशा। ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। ये देखिए यहाँ पानी भरने आते थे, तो बचपन में छोटी सी कागर थी मेरे पास, मैं यहाँ से पानी भरता था
और दादी लोग रहते थे समय यहाँ पे, तो दादी की हेल्प करता था। तो यहाँ से शुरुआत होती है मेरे गांव की, ये पहला घर है मेरे गांव का जहाँ लोग रहते थे। देखिए अब हालत, झाड़ी भी एक तरफा उड़ के बाबा। लेकिन जो वाइब्स हैं वो यही है, इन्हीं झाड़ियों के बीच में, इसी धूप के बीच में। माउंटेन्स आर कॉलिंग। तो यहाँ से प्रॉपर गांव शुरू होता है मेरा। गांव में एंट्री कर रहे हैं बिना गाने के, ऐसा कैसे? ये पानी की डिग्गी है जहाँ पे अभी भी लोग पानी भरते हैं। जी हाँ, लोग रहते हैं यहाँ पे। अभी तो गांव में एंट्री की है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और सफाई बना के रखिए।